ନା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦାସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସିଏସି ହେଡ୍ ଅଫିସରେ ବସେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବଜାଜର ଇନ୍ଷ୍ଟାକାର୍ଡ ଦେଖୁଛି ହୋପଫୁଲି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ତ ମୁଁ କିଛିଟା ହିନ୍ଦୀରେ କହିବି କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯିଏ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ବଜାଜ ଟିମ୍ରୁ ସିଏ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବଜାଜର ଇନ୍ଷ୍ଟାକାର୍ଡର ଯିଏକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି आप लोगों को जो डिटेल है वो आपको समझा देंगे अभी और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा तो काइंडली आप लोग जब ये खत्म हो जाए वन बाय वन पूछिएगा तो आपका माइक जो है वो काइंडली म्यूट रखिएगा ताकि हम लोगों को क्लियरली समझ में आए ठीक है जितेश जी थैंक यू थैंक यू वेरी मच यस थैंक यू आज ENI टीम थोड़ा उनका एक रिव्यू में मीटिंग थे तो मैंने बोला आई टेक दिस ट्रेनिंग सो गुड टू हैव कनेक्टेड आप सबसे कनेक्ट करने के लिए गिविंग आपको अपॉर्चुनिटी थैंक यू वेरी मच सो वैसे तो आप लोगों ने ये आई रिमेंबर उड़ीसा ने बहुत जोर शोर से इनिशियली इस प्रोडक्ट को पिकअप किया था और काफ़ी अच्छा बिजनेस भी आया था उड़ीसा से हमारा कुछ साथ में तो आप लोगों को ब्रॉडली इस प्रोडक्ट के बारे में पता है बट जस्ट टू रीक्रिएट हम एक बार इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं इसका ई कार्ड बड़ा बेसिक प्रोडक्ट है बहुत लोग जानते भी होंगे इस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी लोगों के पास ये कार्ड होगा भी आई एम श्योर प्रोडक्ट के बारे में आगे ये चलेंगे हाँ सो इसका अगर आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट 3 लाख तक की लिमिट इस प्रोडक्ट की इशू हो जाती है आप किसी को भी 3 लाख तक की क्रेडिट लिमिट इसको मिल जाती है 10 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस से खरीदे जा सकते हैं फर्नीचर रेडीमेड गारमेंट्स ट्रैवल एयर टिकट्स ट्रेन टिकट इससे बुक करी जा सकती हैं 1.5 लाख से ज़्यादा पार्टनर स्टोर्स पे ये प्रोडक्ट चलता है और लोन जो इस पर होता है किस्तें जो इसकी होती हैं 60 महीने तक की किस्त बनाई जा सकती है 4000 से ज़्यादा जगहों पे ये एक्सेप्ट किया जाता है और इसमें कोई ब्याज नहीं होता कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगता जब आप इसको लेते हैं तो जैसा कि मैंने बताया ये सब स्टोर पे चलता है 1.5 लाख से ज़्यादा हमारे पार्टनर स्टोर हैं ऑनलाइन ले सकते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे विजय सेल्स पे ले सकते हैं रिलायंस डिजिटल मेक माई ट्रिप IRCTC पे ट्रेन टिकट्स पर आते समय इसको यूज़ कर सकते हैं और ऊपर सबकी फोटोग्राफ्स लगाई हैं ये सब प्रोडक्ट खरीद सकते हैं थोड़ा लॉग इन करने का तरीका भी बता दें आपकी जानकारी के लिए वैसे तो आप सब लोग इससे इस स्क्रीन से तो बहुत अच्छे से वाकफ हैं कि डिजिटल सेवा पोर्टल पे आपको एंटर करना होता है वो एंटर कर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करते हैं उसके बाद ये पेज आपके सामने खुल जाता है उस पर आप ऊपर ड्रॉपडाउन में लोन बाज़ार सर्च करते हैं लोन बाज़ार सर्च करने के बाद इसमें आपका ये स्क्रीन खुल जाता है इस स्क्रीन पे जो क्रेडिट कार्ड सेक्शन है उस पर आप ड्रॉपडाउन में जाते हैं वहाँ पे बजाज फिनसर्व इसका EMI कार्ड नज़र आ जाता है आई होप यहाँ तक क्लियर है अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ हैंड रेज कीजिएगा ताकि हम आपको अनम्यूट कर पाएँ सर अगर किसी का हैंड रेज हो तो एक बार पूछ लेना अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज सर इज योर हैंड रेज हमें आंसर देना है कुछ अमन जी ने एड्रेस किया है सुब्रत किसी का कोई क्वेश्चन है सुब्रत जी ओके तो आगे चलते हैं इससे तो जब हमने यहाँ पे बजाज फिनसर्व इंस्टा EMI कार्ड सेलेक्ट किया तो आगे एक स्क्रीन खुल जाती है यहाँ पे आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे जिनको एक OTP जाएगा इसके बेसिस पे ही वो आगे प्रोसेस कर पाएंगे अपने आप को आप म्यूट कर लेंगे प्लीज आप सौरभ कैन यू सी कैन यू म्यूट सौरभ कहीं से आवाज आ रही है तो आप सबसे पहले यहाँ पे जरूरी है कि आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के उनको OTP डालेंगे OTP या मेंशन करेंगे उसके बाद
आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे जहाँ पे कस्टमर की बेसिक डिटेल्स कैप्चर करने हैं, उनका दोबारा से फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और पैन ऑप्शनल है, पैन नंबर कंपलसरी नहीं है यहाँ पे एंटर करना। पैन नंबर अगर किसी कस्टमर के पास नहीं भी है तो भी वो आगे प्रोसीड कर सकता है, और ये डिटेल्स एंटर करते ही कस्टमर के मोबाइल पे एक लिंक चला जाएगा और यहाँ पे वो कितने स्टेप्स का प्रोसेस है वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि कितने स्टेप्स में ये कार्ड बनता है। ये स्टेप्स वही आपके आगे के स्टेप्स में आपको समझाने भी लगा हूँ और यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे। ये कस्टमर के मोबाइल की स्क्रीन है जो आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे देख रहे हैं, कस्टमर की मोबाइल की स्क्रीन है, उसको ये एक मैसेज जाएगा जिसके लिंक पे वो क्लिक करेंगे तो मिडल में जो स्क्रीन है उस पर ऐसा आ जाएगा कि ये आप इंस्टा या माई कार्ड के फीचर हैं, 40 मिलियन कार्ड यूजर्स हैं हमारे, 1 मिलियन प्लस प्रोडक्ट हैं, वो लिखा हुआ है। आप नीचे दबाएंगे गेट इट नाउ। गेट इट नाउ में एक बार फिर से आपको OTP, पहले आपने OTP परमिशन दिया था SMS भेजने के लिए, अब आप OTP परमिशन दे रहे हैं, क्लाइंट परमिशन दे रहा है बजाज को जनरल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो अब यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर दिया, OTP डाला और यहाँ पे आपका नाम जो है ऑटो, अगर ये आप किसी पब्लिक डोमेन पे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका नाम यहाँ पे छपा हुआ सारी डिटेल भरी हुई आ जाती है, लेकिन अगर आप किसी पब्लिक वेबसाइट पे नहीं है तो यहाँ पे आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, बेसिक डिटेल भरनी होगी और इतना ही भरने पे आपकी नेक्स्ट स्लाइड में जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन लेफ्ट पे आपको कार्ड की लिमिट और कार्ड नंबर आ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी स्लाइड है, बस आपने प्रैक्टिकली OTP डाल के आगे बढ़े, आपने सिर्फ अपनी बेसिक डिटेल भरी, भरते ही आपके सामने नज़र आ जाएगा आपको कार्ड इशू हो गया है और उस पर कितने अमाउंट की लिमिट आपको मिली है। मोमेंट ये शो हो जाता है उसके बाद आपका नाम आगे कंफर्म आ गया, आप कंफर्मेशन दबाएंगे अगर आपका KYC डन है। KYC इसके बाद होता है, पहले कार्ड इशू हो जाता है तो KYC अगर आपका ये भी आपका अवेलेबल है, CKYC अगर रखा है वो भी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है, लेकिन इनकेस अगर ये नहीं किया है तब आपको एक KYC का प्रोसेस करना होता है, डिजी लॉकर का आपको अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे अपने आधार कार्ड के साथ लॉगिन क्रिएट करना है, और ये लॉगिन क्रिएट करते ही आप परमिशन देंगे हमारे को एक्सेस करने के लिए। और जो आप स्क्रीन राइट देख रहे हैं वही वाली स्क्रीन जो पीछे आई थी कि आपका KYC वेरिफिकेशन हो गया, वो स्क्रीन दोबारा आ जाएगी और आप कंफर्म पे प्रेस कर देंगे। यहाँ पे आप कंफर्म कर देंगे, ये कंफर्म करते ही आपका कार्ड बन गया है। अब आप पेमेंट स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये पहले 599 रुपये इसका कीमत था, आपसे कुछ समय पहले तक 3-4 दिन पहले इसकी कीमत 599 रुपये से कम करके 530 रुपये कर दी गई है। तो अब यहाँ पे पेमेंट पेज सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट। प्रोसीड फॉर पेमेंट में जाते हैं कुछ ना कुछ प्रोमो कोड्स होते हैं, जैसे हम कुछ और भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो प्रोमो कोड मिल जाता है आपको 100 रुपये का, 1000 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का शॉपिंग वाउचर या डिस्काउंट वाउचर आपको मिल जाते हैं, या कई बार सीधा बजाज पॉइंट मिल जाते हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो चाहिए बजाज पॉइंट जो है 1.20 पैसे के बराबर होता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिल पेमेंट एक्सेट्रा में, या डिस्काउंट कूपन मिल जाते हैं वो अप्लाई कर लेते हैं और आप 530 रुपये की पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट अगर UPI से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जनरली लोग वैसे हमने जो देखा UPI से पेमेंट करना पसंद करते हैं। तो आप पे नाउ करेंगे तो यहाँ पे आपका कार्ड इशू हो गया, 530 रुपये डेबिट हो गए, आपको कार्ड इशू हो गया। यहाँ पे आपके पास एक बार कार्ड इशू हो गया तो आप बजाज की आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाता है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उस लिंक को क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ थैंक यू रुपीज 530 रिसीव फॉर योर डिजिटल EMI नेटवर्क कार्ड, व्यू योर डिजिटल कार्ड एट दिस, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐप डाउनलोड हो जाएगी। ऐप डाउनलोड करके आप EMI कार्ड सिलेक्ट करेंगे, कार्ड लॉन्ग दिखता है ताकि ऐसा ना कोई भी क्लिक करे और देख ले, वहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो कार्ड सामने नजर आ जाता है, उसकी लिमिट, कार्ड का नंबर, लिमिट कितनी है, आपका नाम, तारीख, वैलिडिटी सब आ जाता है उसमें। तो इतना ही प्रोसेस है कार्ड बनवाने के लिए। अगर आपने प्रैक्टिकली देखा, आपने बेसिक डिटेल डाली तो आपकी लिमिट नज़र आ जाती है, लिमिट नज़र आते ही आपको KYC करना है,
केवाईसी करते हैं, आपका पेमेंट पेज आ जाता है, आपने पेमेंट भरी तो आपका कार्ड इश्यू हो गया, इतना नहीं करना। ये तो हमने वो सिनेरियो बताया जहाँ पे आपका कार्ड इश्यू हो गया, आपको हमने अप्रूवल दे दिया बजाज ने और आपको कार्ड मिल गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि कार्ड नहीं बना, वो वाले सिनेरियो छोटे से हाईलाइट वो भी कर देता हूँ। अगर अभी का किसी का क्वेश्चन है तो कृपया पूछ लीजिए ताकि हम जवाब दे पाएं। प्रोसेस में या आपको कुछ नहीं समझ आया, रिजेक्शन सिनेरियो बताने से पहले ये वाला प्रोसेस क्लियर करते हैं। चलो अगर किसी का हैंड रेज हो तो बता देना, या किसी का जिन्हें हैंड रेज किए वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी आवाज आ रहा है। हाँ जी सिविल स्कोर चेक होता है। अगर आपका नॉन कार्डेड कस्टमर है तो 720 का सिविल स्कोर चाहिए होता है, और अगर कोई कार्ड होल्डर है, कहीं का कार्ड है उनके पास, तो 680 का, 680 का सिविल स्कोर चाहिए। दो चीज क्लैरिफाई सब लोगों के लिए आपका बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, क्लैरिफाई कर देता हूँ। सिविल स्कोर अकेली चीज नहीं होती, काफी चीज है। सौरभ आवाज आ रही किसी के बैकग्राउंड में, आप यूज कर पाएंगे सौरभ? तो सिविल स्कोर अकेली चीज नहीं होती, सिविल स्कोर चेक होता है, उनकी रेगुलर बैंकिंग कैसी रही है वो चेक होती है। अगर किसी ने अभी रिसेंट डेज में कोई लोन डिलेड पेमेंट करी है, रिपीटेड कोई 15 दिन का डिले, 10 दिन किस्तें भर रहे हैं बट डिलेड भर रहे हैं किस्तें, तो भी उसको कार्ड इशू होने में प्रॉब्लम आएगी। किसी ने डिफॉल्ट किया है, डिले किया है, या कोई सेटलमेंट की है, कई बार लोन की सेटलमेंट करके हट रहे हैं, इतना था इतना नेगोशिएट करके सेटल किया है, या नेगेटिव जोन में रहते हैं, तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कार्ड रिजेक्ट होने के, बट हासिबल भी एक सबसे जरूरी एस्पेक्ट है। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल किसी सर की? सर क्या कोई उसका अर्निंग का कुछ ये लिमिट रहता है, मतलब उसका सैलरी इतना होना चाहिए या फिर उसका इनकम इतना होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी की क्रेडिट खराब नहीं है तो पैन भी नहीं है तो भी उनका उनको दे सकते हैं, और अगर उनके पास हाँ जी अगर आप 0 और माइनस 1 जिनका जिनकी बेसिकली सिविल स्कोर होता ही नहीं है उनको भी कार्ड दिया जाए। एक बार मैंने आपको बताया कि सिविल स्कोर नेसेसरी होता है, दूसरी तरफ जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं है मार्केट में उनको भी ये कार्ड दिया जा सकता है अगर बाकी सब चीजें ठीक है। और सर जो 530 जाने उसका जो फीस लगता है उसका फिर एनुअल भी लगता है कि एक ही वन टाइम है? ये भी मेरी आगे आने वाली स्लाइड में आने वाला था, पर आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ। अगर आपने कार्ड बिल्कुल यूज नहीं किया है एक साल भर, तो एक चार्जेस हुआ करते थे 100 रुपये प्लस GST, तो 118 रुपये चार्जेस लगा करते थे। अब से वो चार्जेस भी वेव ऑफ हो गए हैं, अभी तक थे चार्जेस, अब वो चार्जेस वेव ऑफ हो गए, कोई एनुअल चार्जेस नहीं। मतलब उसके लिए कोई स्पेंड लिमिट है, इतना खर्चा करोगे तो वो वेव ऑफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है? अब कुछ नहीं है, एक कुछ समय तक था कि आपको साल में कम से कम 1-6 हज़ार या 7 हज़ार का ट्रांजेक्शन करना है, अब वैसा नहीं है। ओके थैंक यू सर। कार्ड भी उनके मोबाइल पे ही उनको ही यूज करना है, उनके मोबाइल पे ही इश्यू होगा, डिजिटल कार्ड है ये, फिजिकल कार्ड नहीं है। बट समटाइम इफ सम कस्टमर्स मे नॉट हैव द स्मार्टफोन तो दे हैव द स्मॉल मोबाइल तो हाउ वी कैन डू दैट? आप नहीं कर पाएंगे, फिर आपको उसके लिए देखिए दो ही चीज कर सकते हैं उसके लिए।
आपको उनका सिम निकाल के किसी स्मार्टफोन में डालना होगा या तो वही एक तरीका बनेगा कि किसी के पास अगर स्मार्टफोन है तो उसमें डाल के ही प्रोसेस करना पड़ेगा। सरद जी आई देर सौरभ एक बार क्विकली कैन यू चेक क्या ये जर्नी वेब पे भी हो सकती है? ये एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वेब पे जर्नी हो सकती है? स्मार्टफोन नहीं है तो मेल नहीं उनके चलेगी ना, तो SMS फॉरवर्ड करके या सो बेसिकली सर अगर वो लिंक फॉरवर्ड हो जाता है उस लिंक को आप आगे जर्नी करने के लिए यूज कर सकते हैं, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे भी जर्नी कर सकते हैं। बाकी उनके OTP जाएगा, OTP तो हर फोन पे आएगा, OTP वो डाल देंगे और वहाँ पे बाकी की जर्नी हो जाएगी। और कार्ड जो आपके सवाल का रिकॉर्ड जवाब देता है, स्मार्टफोन नहीं है, कार्ड फिजिकल तो जाता नहीं है, डिजिटल कार्ड है, वो कैसे यूज करेंगे? इसका एक बार कहीं से फोटो लेके या प्रिंट आउट लेके अपने पास कहीं पे रख लेंगे। कार्ड का नंबर इसका कहीं जरूरी नहीं होता है, ये इसकी लिंकेज जो होती है सिर्फ आपके मोबाइल नंबर से होती है। अगर आप फिजिकल स्टोर पे कहीं पर जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए तो आप अपना मोबाइल नंबर देंगे तो वहाँ पे जो एग्जेक्टिव बैठा होता है आपके मोबाइल नंबर से आपकी लिमिट निकाल देता है और आप प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए तो वो अगर स्मार्टफोन यूजर नहीं है उसको वैसे ही फर्क नहीं पड़ेगा तो वो नहीं करता। अदरवाइज ऑनलाइन के लिए कार्ड नंबर की जरूरत पड़ती है, अगर आपने अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे पहली बार कार्ड ऐड करना है तो जरूरत पड़ती है। फिजिकल स्टोर में कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, आपका मोबाइल नंबर ही सब कुछ। तो एनी अदर क्वेश्चन या एक बार प्रेजेंटेशन खत्म कर लें, आगे चलें प्रेजेंटेशन पे। आई थिंक फिर मैं प्रेजेंटेशन खत्म कर लेता हूँ। रिजेक्शन सिनेरियो बताना चाह रहा था मैं कि रिजेक्ट किस किस केस में आपको कार्ड रिजेक्शन लग सकता है अगर कार्ड नहीं बना। पहला सिनेरियो रिजेक्शन नहीं है पर हमने फिर भी रिजेक्शन में उसको लिखा है कि कस्टमर के पास ऑलरेडी कार्ड है, अगर सामने वाले को पता ही नहीं होता उसने कभी TV फ्रिज या कोई मोबाइल खरीदा था और कार्ड इशू हो गया था साथ में, उसने लिया हुआ था 530 रुपये दे के, 599 रुपये उस जमाने में होते थे, 599 रुपये दे के कार्ड लिया हुआ है, तो उस केस में मैसेज आपको आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा कस्टमर ऑलरेडी हैव बजाज इसका EMI कार्ड। ये मैं किस स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, मैं इस स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आपको आया सक्सेस द मैसेज हैज बीन सेंट ऑन गिवन नंबर, ये ना आके आपको वो मैसेज आ जाएगा एरर मैसेज दिखेगा तो कस्टमर ऑलरेडी हैज बजाज इसका EMI कार्ड, और नीचे जो मैसेज एक बॉक्स व्हाइट कलर का बना के लिखा है ये कस्टमर के मोबाइल पर चला जाएगा, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, यू ऑलरेडी हैव एन इंस्टा EMI कार्ड, डाउनलोड योर कार्ड ना, वो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये तो एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपने कार्ड अप्लाई किया और आपका कार्ड रिजेक्ट हो गया, जो मैंने रीजन बताया, आपने कोई लेट पेमेंट करी है या आप नेगेटिव एरिया में हैं या आपकी 23 साल से उम्र कम है, 23 साल से ऊपर वाले ही लोग ये अप्लाई कर सकते हैं कार्ड, 23 साल की छोटी उम्र के लोगों के लिए ये कार्ड नहीं है, तो आपकी उम्र 23 साल से कम है तो ये कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। किसी भी कारण से आपका सिबिल स्कोर खराब है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट होते ही आपको सामने लिखा आ जाएगा थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन द इंस्टॉल EMI कार्ड, वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन ड्यू टू अवर इंटरनल क्रेडिट पॉलिसी। ये स्क्रीन बहुत जरूरी है जो मैं आप लोगों को चाहूंगा ध्यान रखिए कि अगर रिजेक्ट हो गया कई बार क्या लगता है नीचे लिखा हो अदर प्रोडक्ट यू कैन अवेल, और प्रोडक्ट हैं ये हम आपको नहीं दे सकते, और वहाँ पे बताया गया है नीचे कि आप वॉलेट केयर ले सकते हैं 699 रुपीज में, या ले सकते हैं फाइनेंशियल फिटनेस रिपोर्ट चाहते हैं अपनी तो गेट इट नाउ पे या यहाँ पे क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब आपका कार्ड तो इशू नहीं हो रहा, रिजेक्ट कर दिया है हमने, लेकिन अगर आप कोई और प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप ये प्रोडक्ट क्लिक करके ले सकते हैं। तो अगर आपके कस्टमर को कोई और प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो वो आप यहाँ पे अपना SMS
छोड़ दीजिए, प्रोसेस जर्नी छोड़ दीजिए, आगे प्रोसीड मत कीजिए, क्योंकि आपकी इनकम नहीं है प्रोडक्ट में, वो तो अलग प्रिंसिपल पर आगे प्रोडक्ट है, आपको उसमें कोई इनकम नहीं। ये ध्यान रखिएगा, कुछ केसेस में आया था भी क्लिक करके आगे ले लिया हमने 699 को दे दिए, तो वो डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट है, यहाँ पे रिजेक्शन फ्री। तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि केवाईसी रिजेक्ट है, अगर केवाईसी हुआ है और आपके केवाईसी में कुछ गड़बड़ है, उस केस में भी रिजेक्शन आ सकती है आपके केवाईसी में। आपने कई बार क्या करते हैं, वाइफ के मोबाइल पे गया, हस्बैंड के मोबाइल पे जर्नी करी और वाइफ के मोबाइल नंबर दे दिया, केवाईसी मोबाइल की कर वाइफ की कर दी और कार्ड हस्बैंड के नाम पे चले गए, या आपके केवाईसी में आपका फोन नंबर कुछ और अपडेटेड है, तो ऐसे सिनेरियो में भी रिजेक्ट हो सकता है अगर आपका केवाईसी थ्रू। अगला इम्पोर्टेंट मैं ये बताना चाहूँगा, अगर क्वेरी आपको कोई है, आप किसी तरह की कोई क्वेरी आती है, या तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से या SPOC से अपना इंटरनली डिस्कस कर लीजिए, और हम रेगुलरली जैसे अक्षय हैं वो हमारे साथ रेगुलरली इन टच रहते हैं, तो अगर कोई आपके 2-3-4 केसेज अगर आप अक्षय हमारे को फॉलो करेंगे, हम वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आप कस्टमर केयर नंबर पे भी फोन कर सकते हैं या ईमेल भी लिख सकते हैं, ये कस्टमर केयर नंबर भी यहाँ दे रखा है, ईमेल आईडी भी यहाँ दे रखा है, आप इनको भी फ़ोन कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी की। अदरवाइज अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को रीच कीजिए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आगे इनको बता देंगे और अक्षय हमारे साथ डिस्कस करके जैसे भी होगा हम सॉल्व कर देंगे आपकी प्रॉब्लम। एक चीज़ मैं बतानी भूल गया जो यहाँ पे बड़ी ज़रूरी बतानी चाहूँगा, कि अभी तक ये कार्ड सिर्फ तभी बनता था अगर कोई कस्टमर एक स्टोर पे जाता है और वहाँ जाके 20,000 50,000 1,00,000 का कोई प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसको ऑफर किया जाता है, लोन लिया आपने, साथ में आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, अदरवाइज ये प्रोडक्ट नहीं मिलता था। अब CFC के माध्यम से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना प्रोडक्ट खरीदे भी आप ये कार्ड खरीद सकते हैं, रियली भाई अपने स्टोर से ही ये कार्ड किसी को इशू कर सकते हैं, और सिंपली एक बार कार्ड मिल गया तो उसके बाद उसकी लिमिट सेट है, वो कहीं भी जाके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दूसरा, ये समय बहुत ही अच्छा है, ये कार्ड शुरू हुआ है हमारा, नॉर्मली बजाज के माध्यम से हम ये 12,00,000 से 15,00,000 कार्ड एक महीने का बनता है, कम से कम 12 से 15 लाख ये कार्ड एक महीने का बनता है, और इन महीनों में जो सितंबर अक्टूबर नवंबर अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये कार्ड 15,00,000 से 18-20,00,000 करने लगते हैं, क्योंकि त्यौहार का टाइम है, लोग नए वाइट बोर्ड अपना वॉशिंग मशीन फ्रिज घर में या खरीदना चाहते हैं, मोबाइल लेना चाहते हैं, क्योंकि ऑफर्स भी अच्छी मिलती हैं इस समय पे, तो इस समय पे इनकी यूसेज और ज़रूरत लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके पास ये टूल है, बजाय कि वो कस्टमर जाके कहीं और से बनवाएं या ये कार्ड तो कस्टमर बनवाते हैं, ये समय हमारी सेल भी बढ़ जाती है इस कार्ड की, करने तो नहीं है, तो आप बनवाइए, अपने थ्रू बनवाइए, और इसमें एक बहुत अच्छी इनकम का माध्यम आपके लिए बन सकता है। अगली स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा एक समय और दूंगा, बताना चाहूँगा इनकम आपकी कैसे बन सकती है और कितनी इनकम आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आप देख रहे हैं कि कस्टमर करके आपके पास आया CSC सेंटर पे, कस्टमर जो आपने लॉग इन किया अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और उसके मोबाइल पे, पूरा सर्विस किया, अप्रूवल आया, कार्ड बन गया, और आपकी इनकम यहाँ पे कार्ड बनते ही पेमेंट होते ही 287.20 रुपये की इनकम आपकी कंपनी होगी। अब ये वाला सिनेरियो देखिए कि रोज के अगर आप 2 कार्ड भी अप्लाई करते हैं तो 30 दिन में आपने 7 कार्ड अप्लाई कर दिए, और टोटल कार्ड हर महीने के आपको 18 बनेंगे, 30% सक्सेस रेशियो होता है कि आपने 10 कार्ड अप्लाई किए तो 3 कार्ड बन जाते हैं, तो आपने अगर महीने में 7 कार्ड अप्लाई किए, 18 कार्ड आपके बन जाएंगे, 5,000 रुपये की आपकी इनकम कन्फर्म होगी। और यही सिनेरियो हमने लेके चला, जो मैं अक्षय अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो एक रफली एवरेज VLD की शॉप पे 20 से 25 कस्टमर तो कम से कम आते हैं पर डे, ठीक नंबर बोल रहा हूँ अक्षय? जी अभी करंट सिनेरियो जो है, अभी ईच एंड एवरी VLD के सेंटर पे जो है वो 70-90 कस्टमर वॉकिंग है इन अ डे, ईच डे। अक्षय अगर मैं उसमें ये बोलूँ कि 10 कस्टमर को ये कार्ड पिच कर पाए कि सर ये कार्ड बनवा लीजिए, और आपने देखा जर्नी कितना है, 1 मिनट से भी कम होता है, अगर आपने मोबाइल नंबर डाला, डिटेल्स डाली,
वहाँ पे गली मिल जाती है, आपको कार मिल गया या कार नहीं मिला, एग्जिट करने में आपको एक मिनट से ज्यादा नहीं लगे, दो तीन मिनट बात करने और समझाने में लगा लो, एक मिनट प्रोसेस करने में लगा लो। तो अगर आप दिन में 10 कस्टमर को अप्लाई करवा पाते हैं तो आपके महीने के 300 आप अप्लाई करा पाए और 30% लोगों को मिलेगा, 10 लोगों में से 3 लोगों को मिलेगा, बाकी 7 लोगों को नहीं मिलेगा कार। और आप फिर भी 90 कार्ड बनवा पाए महीने के, और अगर आप 90 कार्ड बनवा पाए 287 रुपए के हिसाब से आप 25,830 रुपए आपकी इनकम महीने की, सिर्फ रोज के 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट किए आपने, रोज के 10 से 15 मिनट लगाने में, ये मोटा मोटी इतना ही होता है, आपने 10 कार्ड अप्लाई किए 3 तो बनते ही हैं, हो सकता है 4 भी बन जाए, CFC के माध्यम से हमने देखा है रफली 4 कार्ड ही बनते हैं, नॉर्मली हमारा सक्सेस रेशो 30% होता है, CFC के माध्यम से जो आ रहे हैं 38% के आसपास सक्सेस रेशो है। तो आपकी 25,000 की इनकम होगी, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं 70 से 80 वॉक इन हैं, आप क्योंकि 10 लोगों से बात करेंगे, अगर आप टाइम लगा ही रहे हैं इनकम है ही है तो आप ज़्यादा लोगों से भी बात कर सकते हैं। अगर आप 50 लोगों से बात करते हैं एक दिन में, वही 30 दिन आपने काम किया, 1500 कार्ड अप्लाई किए आपने और सक्सेस रेट जो 30% 450 कार्ड बने, तो आपकी इनकम कितनी हो गई 1,69,150 रुपये। बहुत बड़ी फिगर है, इनकम जो है बैठे बैठा है ये इनकम आ रहा है, करेक्ट। और एक डीएलई अपनी शॉप पे 70 लोग आ रहे हैं, उनसे 50 लोगों से रोज की बात कर रहे हैं। अब वो आते हैं, आप 10 रोज के लोगों से बात करना चाहते हैं, 20 लोगों से करना चाहते हैं, 30 से 40 से 50 से, अब वो आप मेरे या दो से करना चाहते हैं। दो लोगों से भी अगर आपने कार अप्लाई कराया तो महीने का आपने दो लोगों का कार अप्लाई कराया, मैं नहीं कह रहा आप 10 का कराया, आपने दो का कराया तो 5,000 रुपये कमा सकते हो। अब 5,000 कमाना है, 1,25,000 कमाना है, 2,00,000 कमाना है सिर्फ इसी कार से, और सामने कहीं ना कहीं आप उसका भलाई कर रहे हैं, उसको कार EMI पे वो प्रोडक्ट लेगा जो आज की डेट में अपना EMI पे वो मोबाइल खरीदेगा। बल्कि मैं तो कहूँगा, अभी एक VIP भाई ने किसी ने पूछा था, अगर स्मार्टफोन नहीं है तो उनको एक कार इशू करा, उनको स्मार्टफोन लेके तो सामने आपको दिला देंगे, आपने मेरे मोबाइल ले लिया बढ़िया किस्तों पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। प्रोसेसिंग फी लगती है एक बार जब आप लोन लेते हैं कोई प्रोडक्ट, तो 199 रुपए से 300-350 रुपए तक की प्रोसेसिंग फी डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लगती है, बट इतना ही है, इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपने 12,000 रुपये का मोबाइल लिया, 12 किस्तें बनाई, तो 1,000 रुपया महीना देना है आपने बस, और कुछ ज़्यादा नहीं देना। और अभी जैसे एक और भी अभी भाई ने पूछा, कॉस्ट 599 रुपये थी साल की, अब ये 530 होगी, और ये वन टाइम कॉस्ट है, लाइफ टाइम कार्ड एक्टिवेट रहेगा आपका। दूसरा एनुअल मेंटेनेंस फी थी, हाँ जी 117 रुपये थी, अभी तक ये हमने रिमूव कर दिया है, इसी महीने से रिमूव हुई है। लेकिन BLE का ये रिड्यूस करने के बाद भी आपकी इनकम, हमने यही डिसाइड करी थी इनकम आपकी कम नहीं करी है, कस्टमर 530 रुपये देंगे, 599 नहीं, एनुअल फीस नहीं देंगे, लेकिन आपकी इनकम 287 रुपये 20 पैसे ही रहेगी, वो कम नहीं होगी। रिजेक्शन स्क्रीन हमने इम्प्रूव करी है, पहले रिजेक्शन स्क्रीन इस तरह की दिखती थी, लगता था वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर कार्ड, कई बार क्लिक करके गलती से ले लेते थे। अब राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं, हमने बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि अगर आप वॉलेट के खरीद रहे हैं 699 रुपये लगेंगे, आप सोच समझ के क्लिक कीजिए, नहीं तो यहाँ पे रिजेक्शन स्क्रीन देख के आप रुक जाइए, मत जाइए आगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सर, मैं VLE को यही बोलना चाहूँगा आप सबको, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको पैसे तभी देने हैं जब पहले आप कार्ड देख चुके हैं, आपका नाम आ गया, उसमें आपकी वैल्यू आ गई, इतने रुपए का कार्ड इश्यू हो गया है, जो एक नंबर स्क्रीन दिख रही है आपके मोबाइल पे दिखेगी, उसके बाद आपने पैसे देने। दूसरा पैसे देने कितने हैं, 530 रुपये, पहले 599 आपने 530 देने हैं, अगर 530 से ज़्यादा या 530 से कम है तो ये EMI कार्ड नहीं है, कोई और प्रोडक्ट है। दूसरा आपको ये पता है कि रिजेक्शन दिखी है आपके सामने, दिखी है कि रिजेक्शन स्क्रीन है, लिखा हुआ आया बताएगा, आप कलर देख लेंगे लिखा है, अदर प्रोडक्ट आएगा तो आप अदर प्रोडक्ट पे क्लिक ना करें अगर आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो। और अगर आपके पास पहले मोबाइल के स्क्रीन पे आपका कार्ड दिखा है, लिमिट दिखी है, उसके बाद ही पैसे मांगे जाएंगे, उससे पहले मांगे ही नहीं जाएंगे, तो 530 रुपये की पेमेंट करनी है आपने। और
ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है, ध्यान रखेंगे। और आखिरी में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, इसके पोटेंशियल को अगर आपने फुली यूटिलाइज करना है, अभी होता क्या है, हमने प्रेजेंटेशन करी, अच्छे आपसे डिस्कस करेंगे, आप अपना एक कार्ड बना लेंगे, अपने एक दोस्त का कार्ड बना लेंगे, उसके बाद आप रुको कि चलो अक्षय जी ने बोला था, हमने एक घंटा प्रेजेंटेशन सुनी है, तो चलो कार्ड बना लेते हैं, अपना तो बन जाएगा, हम टीवी खरीद सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं, आपने अपना खरीद लिया, बहुत बढ़िया कार्ड खरीद लिया, लेकिन उसके लिए एक घंटा क्यों लगाया, उसकी क्या जरूरत थी। अगर आपने ये कार्ड बनाना प्रोसेस सीखा है तो आपको अर्निंग पोटेंशियल हमने बताया कितना, आप 1.25 लाख 1.5 लाख महीना का कमा सकते हैं इस कार्ड से। तो आप इस कार्ड को अपने तक बना के सीमित नहीं करिए, डेली बेसिस पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का अप्लाई कर सकते हैं बनाइए, और मेक इट अ हैबिट टू अर्न बिग, अपनी एक हैबिट बनाइए कि पैसा रेगुलरली जितने कस्टमर आ रहे हैं उनका मैक्सिमम लोगों का अप्लाई करिए, इसको एक आदत बना लीजिए, तो आपकी एक इनकम में डेफिनेटली एनहेंसमेंट और वैल्यू नजर आएगी आपकी इनकम रेगुलर बेसिस। तो ये थी हमारी तरफ से प्रेजेंटेशन, अगर किसी बीएली भाई का कोई सवाल है तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर टू योर क्वेश्चन। आप हैंड रेज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सवाल कर सकते हैं। अविनाश जी आप अनम्यूट करें और सवाल कर दीजिए। हाँ जी अविनाश जी। सर मैंने आपका बजाज फाइनेंस का कॉल प्राप्त किया था, तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स है मैंडेट्स है, हाँ जी हाँ उसका डॉक्यूमेंट मैंडेट्स है, यहाँ पे मैंने उसका जो एटीएम कार्ड दिया था, हाँ जी, तो उसका कार्ड इश्यूज हो गया, तो यहाँ पे इसका मैंडेट से नॉट वेरीफाइड शो किया हो, तो यहाँ पे ई मैंडेट नॉट वेरीफाइड शो किया है। हाँ ये सर। अक्षय जी आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने इसीलिए वो प्रेजेंटेशन में स्लाइड भी नहीं बिठाई है, ई मैंडेट कंपल्सरी नहीं है इस कार्ड की। एक आपने ये बहुत रेलिवेंट सवाल पूछा अक्षय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा रेलिवेंट सवाल है। तो एक ई मैंडेट कंपल्सरी नहीं है वो करने, आपके लिए वो जरूरी नहीं है। दूसरा ई मैंडेट जरूरी है, हाँ आपके लिए जरूरी नहीं है, जब उसमें 530 रुपये दे दिए तो आपका कार्ड बन गया, आपकी इनकम कंफर्म हो गई। इसके साथ एक बात बताना चाहूँगा, इस कार्ड में वैसे ये ऑनलाइन यूज हो सकता है, ऑफलाइन भी यूज हो सकता है, लेकिन पहली ट्रांजेक्शन सिर्फ आपकी लाइफ टाइम की पहली एक ट्रांजेक्शन आपको फिजिकल स्टोर पर जाके करनी होती है, चाहे आस पास कोई फर्नीचर का स्टोर जहाँ पे कार्ड चलता है, या रेडीमेड गारमेंट का स्टोर चलता है, या कोई और आपका क्या कहते हैं अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, टेलीफोन मोबाइल या वॉशिंग मशीन या एसी या फ्रिज, आपको एक ट्रांजेक्शन किसी दुकान पे जाके करनी पड़ेगी, उसके बाद जिंदगी भर आप खुद से ये ट्रांजेक्शन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो जब पहली बार ट्रांजेक्शन कराने जाएंगे वहाँ पे बाजार का आदमी बैठा होता है, वो आपको ई मैंडेट रजिस्टर करते हैं, आपको उसमें बिल्कुल भी चिंता करनी है। और ये प्रॉब्लम हटाई है, अभी तक तो ऑनलाइन दिखता है, जस्ट फॉर योर इनकम अविनाश जी, हम ये आगे जाके ये वहाँ से हटाने वाले हैं, जरूरत ही नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि आप परेशानी हो जाए। नया मोबाइल खरीदने का सोचता है, तो आप जाके वो खरीद सकता है क्या ये मोबाइल इस कार्ड में? हमने ये सवाल किया ना, ये कार्ड इश्यू हो गया तो मोबाइल खरीद सकता है क्या, ये पूछ रहे हैं ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ कार्ड का पर्पज भी इसीलिए तो कार्ड ही है, 530 रुपए के खर्चे हैं। ओके सर। सर जो हम लोग बीएलई में जो कार्ड किया है, तो हम कैसे जाने हम इसी मंथ में कितने कार्ड किया है, तो हम रजिस्टर तो मेंटेन नहीं कर सकते ना, तो हमको हम कैसे पता चलेगा इसी मंथ में हम कितने कार्ड किया है, वो कोई फैसिलिटी है क्या इसी? वो एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आपके सेंट्रली आपके स्टेट्स के पास जाएगी, वो आपको अक्षय हेल्प कर पाएंगे, डीएम को अक्षय आप एक रिपोर्ट दे दिया दीजिए, आपको एक डेली रिपोर्ट आती है अक्षय, जिसमें कितने कितने बीएलई वाइज कार्ड बनते हैं वो आपसे शेयर करते हैं।
वो डीएम वाइज शेयर कर दिया जाता है, मैं डीएम से बात कर लूंगा, वो ग्रुप में डाल देंगे उनका। हमारा जो कमीशन है वो महीने महीने में आएगा या पर डे आएगा? नहीं महीने महीने के बाद, महीने के बाद गोइंग फॉरवर्ड ये जल्दी ही महीने के बाद, जो इस महीने में आपने बिजनेस किया है उसके बाद पेमेंट होता है। तो आप लगा लीजिए एक्चुअली मेरा ख्याल अगर 15 से 16 दिन बाद, मतलब जो 30 तारीख, 1 से 30 तारीख में बिजनेस किया है उसकी इनकम 20 तारीख, मतलब अगर आप लगाइए सितंबर 30 तारीख तक नॉर्मली ये क्या होता है जितेश जी? हाँ जी, ये हम लोग का जो साइकिल है 1 से लेके 30 के अंदर जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए सितम्बर में काम किए तो अक्टूबर 20 तारीख के अंदर उनके डीजीपे में ये पेमेंट रिलीज हो जाएगा। अपन मान लीजिए डीजीपे में अपन पाइबे अक्टूबर मास 20 तारीख भीतर, ठीक है। और गोइंग फॉरवर्ड अक्षय मैं बताना चाहूंगा, जल्दी ही ये जो अभी 130 का विंडो है हम फिर पे करते हैं, ये 115-15 से 30 का विंडो हमने आपके हेड ऑफिस से डिस्कस कर लिया, तो 15-15 दिन के इंटरवल्स पे पेमेंट होती है। वेरी गुड न्यूज। देखो आपण मानक आउ गोटे सुविधा भी बजाज टीम एचओ साइन कथा ही करी, जोटा आप बकेट अच्छी 30 दिन काम कले नेक्स्ट 20 डेज जोटा आप पेमेंट आसो जितने जी मैं उड़िया में बोलता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो आपण मानकर से पेमेंटा 15 डेज बकेट करदे, जो 15 डेज आपको बजाज टीम से दे तो आम आपको पेमेंट तार नेक्स्ट 20 डेज करदेव, ठीक अच्छे। मुझे गोटे जिनसे जो बकेट टा ने लेखा ना, ये जो कार्ड आपन दिया रहला एटा 60 मंथ्स पर्यंत आपन इंटरेस्ट फ्री रहला, एथेले कोनो आमे जदि गोटे अदर कार्ड यूज करूछु, अदर कार्ड रे हम कोन करूछु मानियो तो 8% रु 12-14% पर आमे इंटरेस्ट दउ, राइट। किंतु एथि कोनोसी इंटरेस्ट आमे दबोनी 60 मास पर्यंत पे क्रेडिट आपनकु कोनोसी इंटरेस्ट लागिबोनी, आपन दे पाई परिबे आ सेथेरे आपन जो जिनसडा कुछ न एन्जॉय करबे, ठीक अछि। तो ए फैसिलिटी टा बहुत भलो बसते आपण माने कस्टमर को जो हिसाब रे कन्विंस करिवे, माने त आपण तो 20टा लोक आसुछन हैला, आपण किछि करिवे नै केवल बचे देले भाई आपण दर ईएमआई कार्ड अछि तो ऑब्वियसली गोटे कस्टमर क्वेश्चन को आसु सेटा, तो मु जेंदे आपण मानु जणैली जे आपण गोटे जिनस को किनि कि ताकु ईएमआई रे 60 मास पर्यंत आपण पाके पॉकेट रे रहिला, तेथि आपण ताकु यूज करि परिबे। तो मैक्सिमम लोक इंटरेस्ट शो करन, यदि हमें तंग बेटर कन्विंस कर परिवा ना, मु आपन को गारंटी दउ छी ईच एंड एवरी अभी जे बढ़िया फुटबॉल आपन को अछि सेंटर मान रे एवरी मु मते कलेक्शन आपन करि परिवा प्रति सेंटर रे 50 रु 60 लोग डेली आसु, करेक्ट। तो आपन मान का दर 10 टा लोग धरंतु जेंति जेते सब कहिले आमे 10 रेशियो रे 4 टा हमर सक्सेस होउ छी, तो आपन धरि दंतु मासे रे आपन कर 150 कार्ड आपण कले 150 कार्ड आपण 43,000 आपण इनकम। आ जदि आपण आउ टिके निजर माने कोन स्किल यूज कले ताको मानियो तो 150-300 करि पाले 86,000 बसी आपण कमेबे, बुझि पाले कि? ठीक है जितेश जी आप कंटिन्यू कीजिए, मुझे दो शब्द आना था लोकल लैंग्वेज में थोड़ा समझा दिया। थैंक यू सो मच अक्षय, जी। किसी और का कोई सवाल? मैं ये कुछ चैट पे भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, किसी ने बोला है कि ये प्रेजेंटेशन जो है पूरा इसका वीडियो दे दीजिए, तो अक्षय आप अपने सब ग्रुप्स को मैनेजर के थ्रू ना, जो फेसबुक लाइव पे पूरा इवेंट है हमारा, पूरा प्रेजेंटेशन हमने दिया हुआ है फेसबुक लाइव पे कल ही हुआ था, अगर आप तो वो आप लिंक सबसे शेयर कर दीजिएगा तो वो आई थिंक काफी हेल्प होगा सबको। और ये मैं लैंग्वेज भी समझा, एक अशोक बिस्वास जी ने पूछा, सर अगर कस्टमर का झस बुरा कि वो अगर संबलपुर में कार्ड अप्लाई करेगा तो ये हो पाएगा? तो शायद ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी और शहर में अप्लाई किया तो किसी और शहर में ट्रांजेक्शन डिस्ट्रिक्ट है,
और संबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए वो झारसुगुड़ा में लिया हुआ है और संबलपुर में जाके ट्रांजेक्शन कर सकता है? नहीं, तो इसमें क्या होता है, डिजिटल ट्रांजेक्शन तो आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन फिजिकल ट्रांजेक्शन है, मेरा एड्रेस तो है सपोज दिल्ली का, और मैं कह रहा हूँ कि मैं जाके चेन्नई में जाके एक प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, खरीद सकते हो लॉजिकली, हाँ बस आपको वहाँ केवाईसी में अपना एड्रेस अपडेट कराना है, अगर फिजिकल स्टोर पे, डिजिटल स्टोर पे अगर आप ले रहे हैं, अगर अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या किसी पॉपअप साइट पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप सपोज चाहते हैं आपने अपने किसी रिश्तेदार के लिए प्रोडक्ट खरीद के उसको ऑनलाइन ऑर्डर करके गिफ्ट देना है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके किसी और एड्रेस पे भिजवा सकते हैं, और अगर फिजिकल स्टोर पे जाके एक्सचेंज करना चाहेंगे तो आपको एक बार अपने केवाईसी में एड्रेस अपडेट कराना पड़ेगा, फिर कर क्वेश्चन ले लेते हैं। सुब्रत, सुब्रत हो जी, बचा हुआ चाहिए कौन सा? अच्छा सर, मुझे ये जानना चाहिए जरूरत है कि हम कोई अलग डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं या नहीं? आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप यहाँ बैठे आप किसी का बॉम्बे के कस्टमर से अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑनलाइन है 100%, आप कहीं के भी किसी भी कस्टमर का, किसी भी जगह के कस्टमर का कर सकते हैं, इनफैक्ट आप यहाँ बैठे हैं और कस्टमर बैठा है पानीपत में, तो आप वहाँ बैठ के आप पानीपत के कस्टमर को अपने मोबाइल से लिंक, आप अपने वहाँ पे उनका नंबर एंटर करके OTP वो आपको देंगे, आप लिंक भेज देंगे, वो अपने पानीपत में बैठे बैठे प्रोसेस कर लेंगे, तो आपको इनकम आ जाएगी। हाँ जी, तो उनको आपके पास बैठे होना जरूरी नहीं है और उनका शहर उड़ीसा होना जरूरी नहीं है। विजय जी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या -1 सिबिल वाले का वो कार मिल सकता है? विजय नायक जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, -1 और 0 वालों को भी ये कार मिल सकता है, बट मैं ये नहीं कह रहा उनको मिल ही जाएगा, बाकी भी क्राइटेरिया होते हैं, तो अगर बाकी क्राइटेरिया फिट होता है तो वो 0 और -1 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, अभी कॉल क्वेश्चन पूछा है और कार्ड कोई अलग नहीं होगा, ऑनलाइन स्टोर और फिजिकल स्टोर का कोई कार्ड अलग नहीं होता, एक ही कार्ड होता है, वैसे ही इशू होता है, एक ही कार्ड है। आप स्टोर वाले पे जो लड़का बैठा था उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर या कस्टमर उसके पास कर रहे हैं तो राहुल जी बात करा दीजिएगा, आप आपके पास अक्षय नंबर है राहुल का, नहीं तो आप उसकी डिटेल लेके दीजिए और हम उससे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे उसके लिए, ऐसा कोई नहीं। सर मैं बोला कि वो लड़का वाला का नंबर नहीं होगा, मैं जो दोनों कस्टमर का कार्ड एक्टिवेटेड किया था, मैं कस्टमर का इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो अप्रूवल पर आ गया था, मैसेज भी आया था, वो कस्टमर लाइक क्यू भी मैं दिया था, ये बजाज एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, वो कार्ड भी शो कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है कार्ड का लिमिट 20,000। उसके बाद वो ଯାହାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ
तो इंस्टेंटली आप स्टोर रहा लोकटी जो मना करा नंबर ये खाली सेयर करेंगे मत सो दैट मु बजाज स्क्रीन सारे से लोक कथा करदेवी आपको इश्यू सर्ट आउट हो ठीक अच्छे जी। मैं ये बोला कि जो भी स्टोर पे आप जा रहे हो और इस तरह का कोई दिक्कत होता है तो स्टोर का नाम जो बंदे ने मना किया उसका नाम और नंबर बस उतना ही शेयर कर दीजिए। मैं राहुल के साथ उसका इंटरेक्शन करवा दूंगा खत्म। एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये आप अपने मन से कोई आपको बोलता है ये कार्ड एक्टिवेटेड नहीं है या ये कार्ड डिजिटल है उसको बोलिए दिखाइए फिर का कार्ड मेरा इशू करा दीजिए उसको। मैं पर्सनली आप बोलिएगा मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ फिर कार्ड इशू करा। फिजिकल कार्ड होता ही नहीं ये सिर्फ अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा भी है यहाँ पे इसका फिजिकल कार्ड नहीं होता है। और दूसरा किसी ने पूछा है अगर वाइफ हस्बैंड का सिविल स्कोर था तो वाइफ अप्लाई कर सकती है। हाँ जी अगर वाइफ का सिविल स्कोर ठीक है तो क्यों नहीं कर सकती वाइफ भी कर सकती है। जी अविनाश बाबू किसी पचास देना चाहते हैं कि अविनाश बाबू विजय बाबू जवाब थोड़ा लिमिटेड तरीके में मुझे गलत नहीं समझेगा पर इसके लिए बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं कंपनी के चेक करने के। आप एक बात समझिएगा एक तो जिसका सिबिल नहीं है उसको लोन क्या हम कार्ड दे सकते हैं हाँ जी दे सकते हैं बट उसके भी अपने क्राइटेरियाज होते हैं कई सारे किस एरिया से हैं किस हो सकता है उसकी एज ही 23 से कम हो तो वैसे नहीं होगा काफ़ी ज़्यादा वैसे नहीं है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ वो भी एक कारण हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं पैरामीटर देखे जाते हैं उनके किस एरिया में है नेगेटिव पिन कोड होते हैं कुछ पिन कोड के और कुछ वो भी हो सकता है और रीजन कई सारे हो सकते हैं तो वो स्पेसिफाई करना मुश्किल है। पर मैंने आपको मतलब मैं ये क्लैरिफाई इसलिए किया बिना पैन का क्लाइंट अप्लाई कर सकता है हाँ जी कर सकता है पैन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपका पैन है और आप वहाँ फील्ड में नहीं भर रहे हैं तो कार्ड नहीं बनेगा। हस्बैंड है वाइफ के नाम से कर रहा है तो नहीं बनेगा। तो कुछ क्राइटेरिया है 0-1 वाले अप्लाई कर सकते हैं उसको मिलने की चांसेस है हाँ जी है पर क्या मिलने की गारंटी है नहीं मिलने की गारंटी तो आपको और नहीं मिलेगी। और कई बार क्या ऑलरेडी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्ड इश्यू करने के बाद आपने लोन नहीं दिया हमने अप्रूव किया जैसे मैं कह रहा हूँ हम रिजेक्ट कैसे करते हैं एक्सेप्ट कैसे करते हैं वो बहुत बड़ा सफिशियन होता है बैकएंड पे। और कल आप ये भी ध्यान रखिएगा आपकी उसमें भी कोई कंट्रोल नहीं है अगर उसका कार्ड ब्लॉक हो गया अगर उसने कहीं के बाद में भी सिबिल उसका खराब हो गया या उसने कहीं डिफॉल्ट कर दिया डिले कर दिया बजाज ने कल ब्लॉक कर दिया कार्ड तो कल आप आके उसको ये बोलिए मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो आप कल उसने डिफॉल्ट किया वो भी आपकी जिम्मेवारी नहीं है कल ब्लॉक किया वो भी आपकी जिम्मेवारी है ना क्लाइंट के लिए ना इसलिए आपने कार्ड जो बनवाने जाएगा जैसे अभी किसी ने बोला कि वो बोलता है कि आपने यहाँ से कार्ड नहीं बनवाया वो कार्ड चाहे वहाँ से बने चाहे यहाँ से बने चाहे कहीं से बने आपकी बनाने की जिम्मेवारी है। आगे वो रेगुलरली पेमेंट करता रहेगा उसका लाइफ टाइम कार्ड करता रहेगा बल्कि उसकी लिमिट एनहेंस भी हो सकती है उसी ऐप पे एक ऑप्शन है इंक्रीज लिमिट की ऑप्शन है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं तो आपकी जिम्मेवारी नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन
अंतरिक्ष जी आपको कुछ पूछना है सर? संतोष जी रुको। यस 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 सर, पूछिए पूछिए सर। वो जो 3 लाख का जो बताइए बोलिए पहले। हेलो जी बोलिए बोलिए। जो 3 लाख का जो क्रेडिट लिमिट बोले कार्ड का, वो कार्ड बनाने पर आपने का जो लिमिट होने पर दिखाएगा, जो 3 लाख दिखाएगा या उससे कम दिखाएगा? नहीं, जिसको जितना मिलेगा सर, किसी को 50,000 मिलेगा, किसी को 40,000 मिलेगा, किसी को 90,000 मिलेगा, डिपेंडिंग। वो एग्जांपल के लिए दिखाया है। से जो कस्टमर खरीद करता है, जो मोबाइल लेता है, कोई फ्रिज लेता है, कोई टीवी लेता है, कोई अगर दूसरा कोई सामान परचेस करता है जो दुकान के लिए ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, उसके लिए जो आपके कार्ड से जब तैयार होता है तब ले लेता है, या उसके बाद वो आपके के लिए आपकी फिजिकली जाना पड़ता है? दोबारा बोले, क्वेश्चन समझ नहीं आया। नहीं, जब कार्ड जो एक्टिवेट होगा, जब भी कार्ड एक्टिवेट होगा उसमें आपने परचेस कर सकते हैं कस्टमर या नहीं, वो बात जानना चाहता हूँ। हाँ, एक बार कार्ड आपने ले लिया तो कार्ड एक्टिवेट ही है, आप जाके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। संतोष जी, फर्स्ट टाइम आपको स्टोर पे जाना पड़ेगा, उसके बाद से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और स्टोर से भी जाके कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे एक चैट में वो डाला था, वो फेसबुक लाइव सेशन वाला कुछ पूछ रहे थे, वो मैंने चैट पे भी डाला है। वैसे अक्षय आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। रुपक जी, आपको कोई पूछना है? रुपक जी हाँ सर। सर, यहाँ पे जो बारह एमपीआई है जो एक्चुअली फाइनेंस करा रहे हैं बारह कार्ड से, वो बहुत गलत बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं 5-7 कार्ड बना चुका हूँ इस महीने में, तो बोल रहे हैं इसका लिमिट हमारे यहाँ पे कम दिखा रहा है, आपको 40,000 दिखाएगा तो हम क्या करेंगे, वो हमको यहाँ पे नहीं दिखा रहा है बोल के कस्टमर का दूसरे उनके मतलब दूसरे रिश्तेदार का डॉक्यूमेंट लेके बना के उनको बेच दे रहे हैं सामान, ठीक है। तो उसको जब बोला, उसका नंबर भी लेके आया हूँ मैं, आपको आज सेंड करता हूँ सर, ठीक है। आप बात करिए, आप इनको ग्रुप में शेयर कीजिए या ग्रुप में शेयर कीजिए, चैट में दीजिए। ओके, मैं चैट में देता हूँ। और वो बोल रहा है कि ये कार्ड ओनली ऑफलाइन में यूज होगा, सॉरी ऑनलाइन यूज हो पाएगा, ऑफलाइन हो पाएगा, ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा। मैं बोला ऐसे तो कहीं पे क्राइटेरिया नहीं है कि वो ये तो ऑफलाइन होगा ऑनलाइन नहीं होगा, बोल के ऐसे। अरे कस्टमर आके सर हमको बुरा बोल रहे हैं ना, कस्टमर हमसे बना के गए हैं तो उनको वहाँ पे रिटर्न कर दे जा रहे हैं, दोबारा बताओ यहाँ से। तो बलराम जी, सीएससी सेंटर से एक रिक्वेस्ट है, बार बार एक ही स्क्रीन डाल रहे हैं, तो बार बार मैं बता रहा हूँ वो रिजेक्टेड स्क्रीन है। आप चैट पे एक ही स्क्रीन बार बार डाल रहे हैं, ये रिजेक्टेड है कस्टमर। और आपने शायद डाला है इसका उनका सिबिल सर अकेला क्राइटेरिया नहीं होता, मैं जैसे आपको बताया सिबिल के अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जिसकी वजह से कई बार आप पेमेंट तो कर रहे हैं पर पेमेंट टाइम पर नहीं कर रहे हैं आपकी, अगर महीने दर महीने डिलेड पेमेंट हो रही है तो भी नहीं होता है। इसके मल्टीपल रीजन है, सिबिल एक अकेला कारण नहीं है, तो वो आप जानिएगा। हाँ जी सर, मैंने गोटे व्हाट्सएप ग्रुप बोल रहा है लिंक बर्तमान ये चैट रे दी, तो मुझे रिक्वेस्ट करी जो मैंने जॉइन करी काइंडली से जॉइन करूँ, सो दैट ग्रुप रे जीते जब तंत्र टीम को जॉइन करी देबे, सो दैट आपन मानकर डे टू डे लाइफ रो जहां इशू आसेबो आप सेट ताको सॉर्ट आउट करी पे। इधर से मैं ये बोल रहा था, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, आपको भी एडमिट किया हुआ है, तो आप अपने टीम को भी उसमें ज्वाइन करवा दीजिएगा, ताकि ये जितने भी यहाँ पे हैं अभी उनमें अगर वो ज्वाइन कर जाते हैं डे टू डे लाइफ में, जो कोई भी इश्यूज होते हैं कार इशू में या फिर प्रोसीजर कोई भी रीजन हो, ताकि हम लोग उसको अटेंड कर पाए और हम लोगों का इशू रिजॉल्व हो पाए। और
पैन कार्ड नहीं है तो हो पाएगा ना विदेशी आपका मेल हो गया ସେଥିରେ ମୁଁ ଆମ ବାଜାଜ କାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଲୋଗୋ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟାନର ଗୋଟେ ସେ ବ୍ୟାନର ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାଜାଜ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ହେଇପାରିବ ନା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହିଁ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେହେତୁ ଯେ ଇଏ ଏକ ଭାଲିଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେ ଯେନ୍ ଲୋକଙ୍କ ଆଧାର କେ ସାଥ ମୋବାଇଲ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ହେ ଉନକା ହୋ ପାଏଗା ୟା ନହିଁ ହୋ ପାଏଗା सर अगर आधार के साथ मोबाइल लिंक नहीं है तो जब आपके डिजी लॉकर के थ्रू आपके देखिए अगर तो आपका सी के वाई सी हो रखा है तो वो ऑटोमेटिकली खोल हो जाता है अगर सी के वाई सी नहीं है तो आपको जब डिजी लॉकर से लिंक करना पड़ता है तो आपका ओटीपी आपके दूसरे नंबर पे जाएगा जो आपका आधार से लिंक है तो आपको अगर ओटीपी सपोज आपने कहा होता है वाइफ का हस्बैंड ने डाल रखा है या हस्बैंड का वाइफ ने डाल रखा है तो हो जाएगा लेकिन अगर वो भी नहीं है और आपका मोबाइल को पुराना था वो है तो नहीं हो पाएगा आपको पहले आधार में मोबाइल अपडेट कराना पड़ेगा आप लोग भी आपके काफी सारे लोग तो अपना हो या जैसे मेरा पर्सनली मेरा मोबाइल बाइक के साथ लिंक है बाइक के मोबाइल पे लिंक है तो ओटीपी आता है वहां से लेके डाल देता हूँ हो जाता है लेकिन अगर कोई पुराना नंबर था और अभी नहीं है तो आपको अपडेट कराना पड़ेगा तो उनका ट्रांजैक्शन कैसे होगा देखिए ये मेरे पार्ट पे कहना ठीक नहीं होगा वैसे देखिए तीन ही तरीके हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और यूपीआई लेकिन कुछ केसेस में नहीं वो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे क्योंकि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं यही तीन तरीके हैं पर कुछ केसेस में हमने देखा है एक दो बार बीएलई ने अपने यूपीआई से पेमेंट कर दिया और पेमेंट हो गया वैसे वो अलाउड नहीं है पर वो आप कभी कोशिश कर सकते हैं अगर चला गया हो गया तो हो गया वैसे वो अलाउड नहीं है तीन ही तरीके जी हाँ गुड आफ्टरनून सर सर मेरा क्वेश्चन था मैं छह महीने से बाजार जीवन में ट्रैक कर रहा हूँ दूसरे का प्लॉट रखा हूँ अच्छा लगा सीरियस वाला आ गया मुझे मेरा प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा क्वेश्चन है बहुत टाइम से कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ मुझे सेवन डेज के अंदर प्रोडक्ट मिल रहा है
जैसे कि हमारा सी एस एन ए में काम कर रहे हैं, जैसे कि इंस्टेंट कॉल मिलता है, इंश्योरेंस में कोई भी काम करते हैं, तो जैसे कि यहाँ का बजाज का ई एम आई कार्ड ये भी इंस्टेंट मिल सकता है कैसे? क्योंकि आपके जेट से करता हूँ सर, जेट 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 क्या है? जेट है क्या उसमें क्रेडिट कार्ड और बाकी सब ई एम आई कार्ड हो सकता है? जी इसके बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी मैंने जैसे बताया अभी कि अभी 30 दिन के बाद जाता है, गोइंग फॉरवर्ड वो 15 दिन का हमारा अरेंजमेंट 15 डेज के बाद वो पेमेंट जाएगा। इससे काम कर रहा हूँ वहाँ पर अभी काजास्तान में कर रहा हूँ काम, ठीक है सर, यहाँ पे 500 अगर कोई नेगेटिव एरिया है तो कुछ नेगेटिव एरिया में तो ये कार्ड इश्यू ही नहीं होता, जैसे मैंने बताया नेगेटिव पिनकोड एरिया में कई नेगेटिव पिनकोड एरिया होते हैं जहाँ पे ब्लड रिपोर्ट होते हैं, तो वहाँ पे कई बार इंश्योरेंस मैंडेटरी आपके जितना लोन है उसके बदले में इंश्योरेंस मैंडेटरी कर दी जाती है ताकि डिफॉल्ट हो तो उसकी इंश्योरेंस कई जगह पे इंश्योरेंस बोली जाती है। दूसरा अगर वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए किसी के लिए कह रहे हैं, देखिए वहाँ पे इंसान है उसका अपना टारगेट है, कुछ आपसे इंसिस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप उससे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अगर लग रहा है कि आपको वो इंश्योरेंस नहीं लेनी तो आप कोई और स्टोर ट्राई कर सकते हैं, उसके स्टोर से बच लीजिए, डिसीजन आपका। सर आपने किसी ने पूछा क्या इससे आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं? नहीं सर, ये प्रोडक्ट सिर्फ आपके आप रेडीमेड गारमेंट खरीद सकते हैं, आप फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन मोबाइल फोन खरीद सकते हैं, आप फर्नीचर खरीद सकते हैं, आप एयर टिकट्स बुक कर सकते हैं, ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हैं, नहीं आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते। सर थबीरा जी बोल रहे हैं कि हर स्टोर पे बोलते हैं, तो सर मैंने बोला जैसे अगर कोई नेगेटिव पिनकोड का एरिया हो तो वहाँ पे कई बार इंश्योरेंस का पर्सू किया जाता है, अदरवाइज ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अब कोई इंडिविजुअल बैठा है और वो इंसिस्ट कर रहा है तो उसके बारे में तो पता नहीं चलेगा, पर ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। प्रोसेसिंग फी के बारे में पूछ रहे हैं सर, प्रोसेसिंग फी 199 रुपये से 300-400 रुपये तक की प्रोसेसिंग फी होती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, इसके अलावा इंटरेस्ट चार्ज कोई नहीं। ठीक है सर, आई थिंक मोस्टली क्वेश्चन भी है जी जी, और जो भी क्वेश्चन है तो वो लोग ग्रुप हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है उसको वो पूछ लेंगे, सब समय समय क्वेश्चन आंसर पाई पारे, आज जो किसी क्वेश्चन अच्छे तो आपने डीएम मानू कि मत वन रे भी पचारि पारे, तो जो ग्रुप लिंक देती तो आपतर जॉइन करूँ सो दैट आम आपतर हेल्प कर, तो मोर रिक्वेस्ट समस्त रही फेस्टिवल सीजन चली बहुत इजिली ये जो कार्ड का बेनिफिट नहीं पारे एज वेल एज आपर इनकम टाके बुस्ट कर बढ़ई पारे, तो डेली आपर टार्गेट कर 10 लाख को आपने जदि कार्ड अप्लाई कर 4 जन हो 150 कार्ड को आपड़ी टार्गेट करजिली 40-45 हजार टाँग आराम से पाई, तो मोर समस्त रिक्वेस्ट रही है समस्ते टे लगे सो दैट आम भल कर इनकम टाक भी बढ़े पार, ठीक अच्छे, तो आज जहाँ क्वेश्चन अच्छे वन टू वन मतलब पचारि पारे डीएम सर पचारि पारे, तो आम एटा क्लोज करवा अलरेडी आम बनाए आपर नेल बहुत धन्यवाद कि आपत समय दे आप सुभद्रा टाइम समय बाहर करके अटेड कले, ठीक अच्छे, आपको भी थैंक यू।
कितना टाइम आप दिए। थैंक यू वेरी मच सबके लिए, सैटरडे के लिए आपने इतना समय निकाला हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें मौका दिया अपने आप को प्रेजेंट करने का, और आपको किसी भी तरह का मदद लगेगा तो अक्षय जी मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आपने फ्रंट फुट पे आगे सबसे पहले उड़ीसा से शुरू किया था, मैं चाहूँगा उड़ीसा आगे रहे और इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर यूज कर पाएँ, और त्यौहार का टाइम है, त्यौहार के टाइम पे कस्टमर भी यूज कर पाएँ, इनकम बना पाएँ और आप भी बीएलई का भी इनकम मैक्सिमम बन पाए जी, एक्चुअली इससे बहुत अच्छा इनकम जनरेट हो पाएगा जी। थैंक यू नितेश जी एंड सौरभ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू लॉट, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी, मीटिंग का रिप्लाई है।